Now, India, it is actively addressing the surge in steel imports, particularly from China. The Chinese industry is in trouble and it should not be allowed to export its problems into India. अब आज हो क्या रहा है? 2300 से ज्यादा स्टील कंपनीज चाइना के अंदर बंद पड़ी हैं। 20 साल में हमने ऐसा काम कभी देखा ही नहीं है। जो लोग 150-200 कंटेनर महीने के ट्रांसफर करते थे, अब वो एक या दो कंटेनर महीने के करते हैं। इतना फर्क पड़ गया है, कहां तो 150 कंटेनर, कहां दो या पांच। ऐसा नहीं है कि चीन का यह आर्थिक संकट केवल उसे ही प्रभावित करेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। चाइनीज जो कंपनी है उसने नॉन एमटीसीआर कंट्री को कुछ बेचा है, लिहाजा वो पाबंदियों की जद में आ गई, तो पाकिस्तान भी जद में आ गया। लेकिन तार साहब, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? जिस वजह से चाइना के प्राइवेट सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए बहुत सी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जैसे एप्पल, वोल्वो और सैमसंग चीन छोड़कर भारत या भारत जैसे दूसरे फ्रेंडली देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने लगे। और वो कितना ज्यादा इच्छुक है भारत की स्टील कंपनियों को खत्म करने के लिए। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि भारत की स्टील कंपनियों ने चीनी स्टील कंपनियों को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दी है, और पश्चिमी देशों में तो कई जगह चीनी कंपनियों का खात्मा ही कर दिया है। और इस वजह से चीन बहुत परेशान है, क्योंकि स्टील की मार्केट बहुत ज्यादा ह्यूमंगस है। चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल। सुनने में भारतीयों को बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई चाइना की ये हालत है कि शिपिंग कंटेनर्स खाली पड़े हैं, पाइल्ड अप हैं, शंघाई हो, निंगबो हो, गोंगडोंग में, गोंगजो है, शेंजन है, सब जगह पर आपको खाली कंटेनर ही दिखते हैं, ट्रक वहां पर खाली खड़े हैं। ये ऐलान हुआ है भारत की तरफ से कि चीन और वियतनाम से आने वाली स्टील पर अब 30% का टैरिफ लगाया जाएगा। क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। चीन की अब स्टील कंपनियां भी बर्बाद होना शुरू हो गई हैं। खबर निकलकर अब ये सामने आई है कि चीन की 2300 से ज्यादा स्टील कंपनी रातों रात बंद हो गई। आज 30,000 से ज्यादा लेबर जो स्टील कंपनियां में काम करते थे, वो आज सड़कों पे आ गए हैं। एक समय था जब चीन दुनिया भर में 250 से ज्यादा कंटेनर शिप सामान भेजता था, अब वो खाली जा रहे हैं। जो शिप महीने में 250 से ज्यादा कंटेनर भेजता था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि आज महीने के 4 से 5 कंटेनर ही भेज रहा है। आज पूरी दुनिया से चीन का सफाया हो रहा है। एक एक कर सारी चीनी कंपनियां कोलैप्स हो रही हैं। चाइना को झटका तब लगा जब चीनी स्टील इंपोर्ट पर भारत ने 30% से ज्यादा टैरिफ ठोक दिया, जिससे चीनी स्टील कंपनियों को दूसरा बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही चीन का 80% ट्रक बिजनेस खत्म हो गया है, क्योंकि ट्रक ओनर अपनी ईएमआई तक नहीं चुका पा रहे हैं। एक्सपोर्ट के कम होने से ट्रक बिजनेस ठप हो गया है। एक के बाद एक चाइना को झटका लग रहा है। अब चाइना का राइस खत्म, अब चाइना का डाउनफॉल शुरू हो गया है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। चाइना से एक बड़ी ही बुरी खबर आई है, और खबर यह है कि चाइना की जो फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कंटेनर खाली पड़े हैं पोर्ट के अंदर, और कोई भी वहां पर, जिसको बोलते हैं कि ना तो ट्रक खड़े हैं, ना कंटेनर लेने वाला है, शिप्स ने आना बंद कर दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट चाइना से खत्म होता जा रहा है। अगर आप देखें कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, पूरे दुनिया में खाने के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए, ऐसे ही चाइना है। हमको मालूम है कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर एक दबदबा है। कई सालों तक एक रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाइना ने देखी है और ग्लोबल मार्केट्स को हिला के रख दिया, और आज ग्लोबल मार्केट ने चाइना को हिला के रख दिया है। अब आप देखिए, जब सबसे बड़ा इनका एक इंडस्ट्री थी वो थी स्टील की, स्टील की मार्केट डाउन आ चुकी है, और जो स्टील की ओवर प्रोडक्शन थी चाइना के अंदर, उसके कारण अब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, क्योंकि वहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर भी प्रॉब्लम है। इससे जो बाकी की इंडस्ट्रीज थी, बिजनेसेस थे चाइना के अंदर, वो इफेक्ट हो गए। उसने फिर दुनिया के अंदर जो कंपनीज थी उनको इफेक्ट किया, अब वो इफेक्ट भारत तक पहुँच चुका है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जैसे आयरन स्टील वहाँ पर नहीं बिक रहा, तो आयरन और भारत से जाता था, वो जाना बंद हो गया, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं। जो भारत के एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं वो भी कम हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स चाइना जाते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया। चाइना का जो राइज है और फॉल है और डोमिनेंस है, उसका दौर शुरू हो गया। डोमिनेंस खत्म हो गई और गिरने का जो दाव है वो शुरू हो गया है। स्टील के अंदर इनका दबदबा इतना था कि 1 बिलियन टन ये साल का बनाते थे। पूरे दुनिया की 50% कैपेसिटी चाइना ने अपने हाथ में पकड़ी होती है। वो डोमेस्टिक डिमांड हो, इंटरनेशनल डिमांड हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, कुछ भी हो, मेड इन चाइना ही जाएगा।
और जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री जाती जा रही है, नीचे जा रही है, वैसे वैसे ये भी नीचे जाते जा रहे हैं। ऊपर से ट्रंप का आने का जो डर है वो इतना ज़्यादा है चाइना के अंदर कि यहाँ पर जैसे ताश के पत्तों की तरह महल टूट कर नीचे गिरता है, चाइना में वही हाल हो गया है। स्टील ट्रेडर्स पूरे दुनिया के अंदर वो ओवर कैपेसिटी से दुखी थे, आज चाइना खुद अपनी ओवर कैपेसिटी से दुखी है। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि इतनी बड़ी स्टील इंडस्ट्री का ये क्या करे। कर्मा है कि इन्होंने दुनिया को कि जो कंपनीज हैं उनको बंद करवाने के लिए इतनी ओवर कैपेसिटी इन्होंने लगाई और दुनिया की इंडस्ट्रीज को बंद किया। आज दुनिया ने इनकी इंडस्ट्रीज को बंद करने का एक मुहिम शुरू कर दी है, यानी कि इनकी ओवर प्रोडक्शन आज इनके गले की हड्डी बन चुका है। इन्होंने क्या किया, चाइना ने स्टील प्रोड्यूस किया चीप और उसे एक इतना बड़े स्केल पे ले गए कि कोई इनको कम्पीट ही नहीं कर सकता था और पूरे ग्लोबल मार्केट को फ्लड कर दिया अपनी चीप स्टील प्रोडक्ट्स के साथ और प्राइसेस पूरे दुनिया के कम आ गए। इनके प्राइसेस इतने कम थे चाइना के कि दूसरे कंट्रीज़ को प्रोड्यूस करना अनप्रोडक्टिव हो गया और वहाँ की जो कंपनीज हैं वो बंद हो गई। आपको मालूम है कि यूरोप हो उसके मेजर स्टील कंपनीज थी जैसे जर्मनी की सेलकेटिस किटर वो बंद हो गई, रोराल थी वो बंद हो गई, सिर्फ इसलिए कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते मिले। इवन इंडिया के अंदर जो हमारी इकॉनमी है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है हमें मालूम है, लेकिन चाइनीज स्टील्स के कारण हमारी अपनी स्टील की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई। पंजाब के अंदर एक जगह है मंडी गोविंदगढ़, वहाँ पर स्टील का एक हब था। जब 9/11 हुआ वहाँ पे जो सारा का सारा स्टील मलबा जो था वो सारा पंजाब में वहाँ पर दोबारा से वहाँ स्टील के उस पर आया, फर्नेस के अंदर आया और आज ये हाल है कि मंडी गोविंदगढ़ सारा का सारा डूब चुका है चाइना के कारण। जो चाइना इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इवन लार्ज प्लेयर्स जैसे टाटा स्टील है, जिंदल है, इन्हें भी स्टिफ कॉम्पिटिशन हमेशा ही चीप चाइनीज इम्पोर्ट से करना पड़ा। इससे हुआ क्या कि उन्हें प्राइस कट्स देने पड़े, फाइनेंशियल लॉसेज हुए, प्रॉफिट्स को कम करना पड़ा और हमें भी अपनी जो कंपनीज हैं उन्हें भी अपनी स्ट्रैटेजीज को दोबारा से चेंज करना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट है उसे भी एक्शन में आना पड़ा, उन्होंने टैरिफ्स लगाए चाइनीज स्टील के ऊपर। लेकिन इसके अलावा भी चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो इतने सस्ते थे कि इतना कुछ ड्यूटी लगाने के बाद भी वो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से उनकी प्राइस कम होती थी। अब आज हो क्या रहा है, 2300 से ज़्यादा स्टील कंपनीज चाइना के अंदर बंद पड़ी हैं क्योंकि वो पैसे बैंकों के दे नहीं पा रहे और उनका जो वर्कफोर्स है वो 30% से भी कम रह गया है। सिर्फ एक इंडस्ट्री के नीचे आने के कारण चाइना की जिसको बोलते हैं भट्ठा बैठ गया, कुछ भी बिक नहीं रहा और कंटेनर के कंटेनर खाली पड़े हैं, प्रोडक्शन सारी की सारी बंद है। स्टील के साथ साथ जो बाकी के प्रोडक्शन है वो भी कम आ गई है। अब तो ये हालत है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो भी नीचे आना शुरू हो गया। जो पहले पैसा चाइना में जाता था वो अब चाइना से निकलकर बाहर जाना शुरू हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। चाइनीज जो कंपनी है उसने नॉन MTCR कंट्री को कुछ बेचा है, लिहाजा वो पाबंदियों की जद में आ गई तो पाकिस्तान भी जद में आ गया। लेकिन तार साहब आपको याद होगा कुछ अरसा पहले भी पाबंदियां लगी थी, अमरीका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? इसको मेरा इसमें अपनी सोच थोड़े से माजी की चीजें देखें, कुछ अभी के हालात देखें तो उसमें से जो मैं निकालता हूं इसमें से, एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलें कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कुछ टर्म्स होंगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता हो।